प्रदेश में 2008 में पंचायत सफाई कर्मचारियों की भर्ती हुई राजस्व गांव में। जब से भर्ती हुई है सफाई कर्मचारियों को पूरी तरह बंधुआ मजदूर बना करके ही काम लिया जा रहा है। जब आज सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के आंदोलित हुआ तो सरकार द्वारा तमाम तरह के फरमान जारी किए जा रहे हैं, लेकिन इन फरमानों से सफाई कर्मचारियों पर अब कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हमारी जो मुख्य जुनून मांग है, जैसे जिस प्रकार है 5 वर्ष में जो जैसी योग्यता है इंटर पास हाई स्कूल उसको प्रमोशन करते हैं, सफाई कर्मचारियों को भी प्रमोशन होना चाहिए। लेकिन जो ये सरकार है ये है केवल सफाई कर्मचारियों से काम लेना जानती है, उनका भला नहीं करना चाहती है। बिना सफाई कर्मचारियों का देश में जो सबसे बड़ी योजना चल रही है स्वच्छ भारत मिशन की, वो सफल नहीं होगी जब तक सफाई कर्मचारियों का प्रमोशन और पुरानी पेंशन बहाली। और एक मैं आपको बात बता को लेकर क्या आप आंदोलन खत्म करने जा रहे हैं? मैं इससे ये तो एक हमने चेतावनी आंदोलन किया है जनपदों में। हमारा बड़ा आंदोलन 21 तारीख को विधानसभा पर होगा, जिसमें प्रदेश के 1 लाख सफाई कर्मचारी हैं वो पूरी तरह से विधानसभा के घेराव में शामिल होंगे।